हाथ पैर तोड़वा देंगे, एसपी विधायक का धमकी भरा ऑडियो आया सामने। पार्टी के यूथ नेता ने कहा कि जान पर खतरा। बलिया जिले के सिकंदरपुर विधानसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी एसपी के विधायक और पूर्व मंत्री मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी का एक धमकी भरा ऑडियो कॉल सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें रिजवी अपने ही पार्टी के युवा नेता को धमकी देते सुनाई दे रहे हैं। सपा विधायक पार्टी के युवा नेता को मारकर हाथ पैर तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। विधायक युवा नेता को पार्टी से मिले सिंबल के खिलाफ प्रचार करने का दबाव बना रहे हैं। विधायक निर्दलीय उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। वहां जाओ नहीं तो मार कर हाथ पैर तोड़वा देंगे। हमारी सिकंदरपुर विधानसभा में क्यों आ रहे हो? दूसरा विधानसभा बांसडीह खाली है, वहां जाओ नहीं तो मार कर हाथ पैर तोड़वा देंगे। ये सब समाजवादी पार्टी से विधायक मोहम्मद जियाउद्दीन रिजवी ऑडियो कॉल पर कहते हुए सुने गए हैं। पीड़ित यूथ ब्रिगेड के राष्ट्रीय सचिव जुबैर उर्फ सोनू की माने तो विधायक जी उन्हें फोन पर मार कर हाथ पैर तोड़ने की बात कह रहे हैं। सिकंदरपुर विधानसभा में अपनी पार्टी के घोषित उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने से रोक रहे हैं। विधायक निर्दल उम्मीदवार को चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं तो सपा के ही प्रत्याशी का प्रचार करूंगा। सपा के यूथ नेता जुबैर का कहना है, सिकंदरपुर नगर पंचायत में समाजवादी पार्टी की ओर से दिनेश चौधरी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और वहां पर पूर्व मंत्री रिजवी साहब अपने पक्ष के प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलने के कारण एक अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहे हैं। लेकिन मैं कार्यकर्ता हूं और जमीन से जुड़ा हूं, इसलिए मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार करूंगा। जुबैर ने कहा कि तहसील के बाहर मैं दिनेश चौधरी का सिंबल जमा कर रहा था और रात को नगर में भ्रमण कर रहा था, तभी रिजवी साहब का फोन आया। जुबैर ने कहा कि विधायक जी ने हाथ पैर तोड़ने और हत्या करने की धमकी दी। सपा के यूथ नेता का कहना है कि जब से विधानसभा का टिकट मांगा है तब से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है। यूथ नेता ने पार्टी आलाकमान से लगाई गुहार। पीड़ित यूथ नेता ने विधायक से जान का खतरा बताया है। पीड़ित नेता मोहम्मद जुबैर उर्फ सोनू ने पार्टी आलाकमान से न्याय की गुहार लगाई। वहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष राजमंगल यादव ने कहा कि विधायक की यह धमकी भरा ऑडियो निंदनीय है, विधायक पार्टी के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। दोनों नेताओं से बात कर मतभेद मिटाकर पार्टी हित में काम करने के लिए कहेंगे। अध्यक्ष ने कहा कि विधायक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए।